अखाड़े की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़ा परिषद ने 4 संतों के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें अखाड़ा परिषद से निष्कासित कर दिया गया है, जिससे अब संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। हरिद्वार के पंचायती अखाड़ा परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संतों को अखाड़ा परिषद से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई अखाड़ा परिषद ने अखाड़े की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। इस मामले में निष्कासित हुए संतों में महंत रघु मुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास और महंत अग्रदास के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इस कार्रवाई से विवाद शुरू हो गया है और इस मामले में सभी अखाड़े एक होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि विवाद खड़ा करने वाले संत अलग थलग होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जिन संतों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उन्हें बिना किसी विवाद के निकल जाना चाहिए और अब तक संतों की हत्याएं हुई हैं उनकी CBI जांच होनी चाहिए, जिससे अखाड़े में शामिल अराजक तत्वों का पहचान हो सके। पंच परंपरा को बनाए रखने के लिए हम आज अखाड़े में आए। हम जो पंच ने नियुक्ति की है वही इस अखाड़े के सर्वमान्य है, जिनको हटाया गया उनको हटा, जिनको अखाड़े से निकल जाना चाहिए। मेरा यही कहना है। संत जो पदों पे बैठे हुए हैं वो लापता क्यों होते हैं? उनका मर्डर क्यों होता है? कुछ कारण तो होगा। एक बड़े बड़े जो संत है, जिनके पास अखाड़े की प्रॉपर्टी है, अखाड़े की व्यवस्था है, अखाड़े के मुखिया है, उनका मर्डर होना, उनका गायब होना, उसके पीछे कहीं लोग होते हैं, उसमें संत भी होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं, सब होते हैं उसमें, इसीलिए इसकी CBI जांच होना बहुत जरूरी है। वहीं इस मामले पर श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा के संत श्री महंत दुर्गादास का कहना है कि अब तक संतों के साथ हुई घटनाओं की CBI जांच इसलिए जरूरी है कि जिससे ऐसे अपराधियों का पता चल सके जो अखाड़े की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और संपत्ति के लिए हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। CBI जांच इसलिए जरूरी है कि जो ऐसे आपराधिक तत्व जो अखाड़े के अंदर भी आकर के है, जो निषेधन करने का है, जो प्रयास करते हैं किसी व्यक्ति को साथ ले प्रलोभन दे करके, उन सब लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। CBI जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब साफ हो जाएगा और अखाड़ा सुरक्षित। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।